हेलो माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में। दोस्तों, हाजिर हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ। पहले तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे, द डिवाइन पावर 1111 में। दोस्तों, आज हम ये चेक करेंगे कि आपकी लाइफ में ये इतना पेन क्यों है। ठीक है, आप कैसे हो या आपकी लाइफ ऐसी क्यों चल रही है, क्या रीज़न है, क्या इसमें कोई बदलाव होगा, क्या यूनिवर्स आपकी लाइफ में कुछ चेंज, कुछ खुशियां लेकर आएंगे, क्या आपको अपने हिस्से की खुशी मिलेगी। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। आई होप आपको ये एक नया टॉपिक पसंद आएगा। तो आपने क्या करना है इस बार, आपको अपने लिए प्रेयर करनी है, यूनिवर्स से बोलना है कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है, जो आगे होने वाला है, प्लीज़ आपको उसके लिए गाइड कर दे। ठीक है, तो हम चेक करेंगे, रीडिंग जर्नल है। कुछ भी रेजोनेट होता है तो उसको आपने क्लेम करना है, अगर कुछ रेजोनेट नहीं होता है तो उसको आपने वहीं पे छोड़ देना है। रीडिंग को आपने एंड तक देखना है, ठीक है, और मेरे को बताना है कि ये किसके साथ रेजोनेट हुई। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रेयर कर लीजिए अपने लिए, अगर आप प्रेयर करना चाहते हो तो आप वीडियो को पोस्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। जो पर्सनल रीडिंग है वो पेड होती है, फ्री नहीं होती है। तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में इतना पेन क्यों है, क्या कारण है, आपकी लाइफ का मकसद क्या है। ओके, देखते हैं कौन से कार्ड्स आते हैं, फिर हम एंजल्स गाइडेंस लेंगे, बप्पा की भी गाइडेंस लेंगे हम। ठीक है, तो रीडिंग को आपने टैप टैप करना है। अगर आपको शफलिंग पसंद है तो देखिएगा, नहीं पसंद है तो आप इसको टैप टैप कर सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलें देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं। पहले हम कार्ड्स लगा लेते हैं, फिर मैं इसके बारे में बात करती हूँ। थीटा पर आपने ध्यान नहीं देना है, रीडिंग सबके लिए है, जर्नल रीडिंग है। ओके, इस समय आपकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपने अपने आप को बहुत अकेला कर लिया है, किसी से बात करना आपको पसंद नहीं है, हार्ट ब्रेक से आप गुजर रहे हो, छुपा लिया है आपने अपने आप को, सबसे सबसे अलग करके रख लिया है। अगर आपको कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं तो मैं कार्ड्स जब लगा लूंगी तो मैं इनको सेटल कर देती हूँ। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस। ओके, अब हम देखते हैं आपको कार्ड्स, आई होप आपको प्रॉपर कार्ड दिख रहे हैं अब। ओके, चलो बात करते हैं। आप इतने प्यारे इंसान हो, आपके अंदर इतना प्यार है, जस्टिस है, आप सबसे प्यार करते हो, आप सबके लिए अवेलेबल रहते हो, आप सबको प्यार देते हो, आप हर समय किसी को पैसे की ज़रूरत होती है, आपके साथ की ज़रूरत होती है, आपके इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो आप हर वक्त उनके साथ अवेलेबल रहते हो। आपने हर किसी को दिया है, सबको दिया है, सबके लिए किया है, लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपके लिए किसी ने कुछ नहीं किया। आपने जिसके लिए भी किया, आपको किसी ने अप्रिशिएट भी नहीं किया। आप बहुत उदास हो, हार्ट ब्रेक, आपका दिल टूटा हुआ है, आप बहुत उदास हो। आप सोचते हो, अरे ऐसे मैंने क्या कर दिया यार, मुझे हर कोई छोड़ के चला जाता है, जो भी आपकी लाइफ में आता है वो आपको छोड़ के चला जाता है, आपसे अपना काम निकलवाता है और आपकी लाइफ से चला जाता है, बिना आपको थैंक यू, आपको अप्रिसिएशन दिए, कुछ भी थैंक यू के रूप में कहे, वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपका प्यार हो, चाहे कोई भी हो, आपसे कोई भी, आपको ऐसे लगता है कि आपसे कोई भी खुश नहीं है।
ठीक है, आपको हर कोई बिना मतलब ही यूज़ करता है और चला जाता है छोड़कर, जिस बात का आपको बहुत दुख है। लेकिन यहाँ मुझे यह दिख रहा है कि आप एक बहुत प्यारा इंसान हो, बहुत लवेबल इंसान हो, आप सबको प्यार देते हो, सबके लिए अवेलेबल रहते हो। अगर कोई भी आपको मुसीबत के समय आवाज़ देता है, आप झट से उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हो। लेकिन कई बार वापस रिटर्न में आपको ये सुनने में आता है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या, राइट? आपके आप इतने अच्छे हो, आपने हर किसी को दिया है, चाहे पैसे की ज़रूरत हो, ठीक है, चाहे किसी को ऐसा समय आया हो जिसके लिए उनको आपकी ज़रूरत पड़ी हो, आप हमेशा अवेलेबल रहे हो। आप काफ़ी गुड लुकिंग हो, ओके, लेकिन लोग आपकी गुड लुकिंग पर भी क्वेश्चन करते हैं, आपको जताते हैं कि अरे इसकी बॉडी शेमिंग जिसको कहते हैं वो की जाती है। आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, काफ़ी ब्रेनी पर्सनैलिटी हो, आप हर समस्या का हल मिनटों में ढूंढ लेते हो, लेकिन कोई भी इस बात की कदर नहीं करता है। अभी इस समय आप जिस सिचुएशन में हो, आप रेस्ट पे चले गए हो, आपने अपने आप को हाइड कर लिया है, आपने लोगों के पीछे भागना छोड़ दिया है। अगर आपसे किसी ने पैसे लिए हैं, दिए हैं कि नहीं दिए हैं, आपको अब इसकी कोई परवाह नहीं है, आपने सब छोड़ दिया है, आपने अपने आप को बहुत अकेला कर लिया है। आप किसी सिचुएशन में इस समय हैंग्ड हो कि मुझे तो कोई करता ही नहीं है, मुझे तो कोई समझता ही नहीं है, तो इससे अच्छा है मैं किसी से भी बात नहीं करूं। आपने अपने आप को एक शेल में बंद कर लिया है। अब आपने क्या किया है, आप हर किसी के साथ अगर कोई छोटी सी भी बात करता है, अब आप इतने चिड़चिड़े हो गए हो, इतना बहुत जल्दी आपको अब गुस्सा आने लगा है। पहले आपको ये चीज़ें ऐसा नहीं था, पहले आप ऐसे नहीं थे, आप बहुत एक सुलझे हुए शांत स्वभाव के थे, लेकिन लोगों ने आपके दिल को, मैं एकदम रुक गई, इतनी आपकी एनर्जी को देखकर मुझे इतना पेन हो रहा है कि आपने लोगों के लिए इतना किया है, लेकिन बदले में आपको किसी ने 5 पैसे भी आपको अप्रिशिएट नहीं किया है, आपको नोचते रहे हैं, आपका यूज़ करते रहे हैं, ऑप्शंस की तरह आपका यूज़ किया गया है। हर वक्त जब ज़रूरत होती है तो लोग आपको बुला लेते हैं, जब ज़रूरत होती है पैसों की तब आपको मदद के लिए फ़ोन आ जाता है, लेकिन जब किसी को आपकी ज़रूरत नहीं होती है तो महीनों आपको किसी का फ़ोन मैसेज नहीं आता है, जिसके कारण आप बहुत हर्ट, बहुत दिल टूटा हुआ है इस समय आपका। आप सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं तो सबके लिए करता हूँ, मैं तो सबके लिए करती हूँ, मैं मुझे जो मुझे आवाज़ लगाता है तो मैं तो उसके पास पहुँच जाती हूँ, लेकिन मेरे जब ज़रूरत होती है तो मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास सब लोग क्यों मेरे से दूर जाते जा रहे हैं। आप इस समय बहुत अकेले हो, बहुत अकेले पड़ गए हो, बहुत उदास हो, आप इतने चिड़चिड़े हो गए हो, आप पहले ऐसे नहीं थे, आप पहले बहुत खुश मिजाज इंसान थे, आप हमेशा खुश रहते थे, हंसना, जोक करना, चुलबुले होता है ना, जो चुलबुला बंदा, आप चुलबुले थे, हर सिचुएशन में हंस के उस चीज़ को आप हल निकाल लेते थे। आप बहुत प्यारे इंसान हो आज भी, लेकिन लोगों की बेरुखी ने, लोगों की इग्नोर करने की आदत ने आपको तोड़ कर रख दिया है। आप बाहर से नहीं, आप अंदर से भी टूट चुके हो, आपकी रूह तक ज़ख्मी है। सोचते हो आपने जिससे प्यार किया, जिससे शादी की, शादी का कार्ड आया है, मे बी यहाँ पे कुछ व्यूअर्स अपनी शादी में भी खुश नहीं हैं, उनकी शादी में भी उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, उनको कभी भी प्यार नहीं मिला है, उनको दुत्कार फिटकार मिली है। अगर आप सिंगल हो, किसी से प्यार करते हो, तो आपके पर्सन आपको बिना बताए कुछ वैल्यू नहीं की है उन्होंने आपके इमोशन की और आपकी लाइफ से चले गए, उन्होंने आपको एक ऑप्शंस की तरह यूज़ किया, आपकी लाइफ में आए जब उनका दिल करता है और आपकी लाइफ से चले गए जब उनका मन होता है। अगर वो नहीं रह पाते तो वो वापस आ जाते हैं, जब वो रहना सीख जाते हैं, देखते हैं कि अब ये मेरे बिना रह नहीं सकती, मेरे बिना रह नहीं सकता, तो वो आपकी लाइफ से आपको ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। आप तड़पते रहते हो, अभी आपने क्या किया है, अभी आप एक शेल में हो गए हो, आप किसी से अब बात नहीं करते हो, आपका किसी से बात करने का मन नहीं करता है, आप अंदर से टूट गए।
हो, आप यही आपने हथियार डाल दिए हैं, आप ऐसे हो गए हो, लूट लो जितना लूटना है, लो नोच लो मुझे जितना नोचना है। मतलब आप इस तरह की पर्सनैलिटी हो गए हो, आपके अंदर ही कुछ मर गया है, आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो, ठीक है। आप लोगों के साथ उठते बैठते हो लेकिन आप ज़्यादा नहीं, आपने अपने आप को बंद कर लिया है एक कमरे में, आप उसमें खुश रहते हो। कोई बात करता है ठीक है, कोई बात करता है तो भी ठीक, नहीं करता है तो भी ठीक है। आप सबका ध्यान रखते हो, सबकी केयर करते हो, हालचाल पूछते हो लेकिन आपको कोई भी हालचाल नहीं पूछता है, कोई भी किसी का मैसेज नहीं आता है। आप दिन भर वेट करते हो कोई तो मेरी रिस्पेक्ट करे, कोई तो मेरी वैल्यू करे, लेकिन आपकी कोई भी वैल्यू नहीं करता है। आप इस समय बहुत टूटे हुए हो, ठीक है। आप सबके ऊपर पैसे लुटाते हो, चाहे वो आपके फैमिली है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे वो आपके पति हैं, आपकी पत्नी हैं, या आपके बच्चे भी हैं इसमें। यहाँ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके बच्चे तक भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो आपको इग्नोर करते हैं। आपसे जब वो बात करते हैं तो उनकी जो आवाज़ होती है वो लाउड होती है, आपको कोई कुछ समझता नहीं है। और आप इसी चीज़ को लेकर बार बार यूनिवर्स से पूछते हो, वाई मी, यूनिवर्स मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैं तो सबसे प्यार करता हूँ, मैं तो सबके लिए हाजिर रहती हूँ, मैं सबकी सेवा करती हूँ, पर मुझे बदले में क्यों नहीं कुछ मिलता, मुझे मेरा पति मुझसे क्यों नहीं प्यार करता, वो क्यों मुझे दुत्कारता है, फटकारता है, क्यों मेरा जो जिससे मैं प्यार करती हूँ वो मुझे प्यार नहीं करता, क्यों मेरे भाई बहन मेरा यूज़ करते हैं, क्यों मेरे फ्रेंड्स मेरा यूज़ करते हैं। आपके माइंड में यही क्वेश्चन हर बार रहता है, राइट गाइस। ये सिचुएशन देखकर ना मेरा अब खुद की एनर्जी ऐसे हो गई है कि मुझे बहुत दुख लग रहा है। एट ऑफ स्वॉर्ड, आपका दिल बहुत ज़ख्मी है, बहुत ज़्यादा। आप रोते हो रात भर अकेले, छुप के सिसकियाँ लेते हो, लेकिन जब कोई आपके सामने आता है तो आप मुस्कुरा देते हो। किसी को भी नहीं पता चलता कि आप अभी रोए हो। आप अपने आंसू छुपाते हो, अपने हालात छुपाते हो, अपने अंदर की फीलिंग को छुपाते हो, ठीक है। अब मैं थोड़े से कार्ड यहाँ से देखना चाहती हूँ कि यूनिवर्स क्या ये आपकी लाइफ ऐसे ही रहेगी या इसमें कोई चेंज आएगा। एम्परर, ओके। आप एक पत्थर दिल इंसान बन गए हो, द हेरोफेंट, बहुत सी वाव। लवर्स कार्ड, टू ऑफ कप्स, यस, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। फाइव ऑफ कप्स, डेथ कार्ड, ओके, समझ गई मैं। वाव, हाई प्रिस्टस यहाँ भी आया है, हाई प्रिस्टस यहाँ भी आया है। आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, काफ़ी स्मार्ट हो, काफ़ी ब्रेनी हो, लेकिन आपकी कोई वैल्यू नहीं करता है, आपकी कोई कदर नहीं करता है। जैसे अगर आपने किसी के लिए कुछ काम किया तो श्रेय कौन ले जाता है, वो बंदा, वो आपका यूज़ करता है, ठीक है। अगर आप किसी की हेल्प करते हो, ठीक है, तो आप क्या होता है, वो क्या होता है, वो दूसरा बंदा कहता है ये तो मैंने किया। आप सोचते ही रह जाते हो कि अरे मैंने तो इसकी हेल्प की थी, मैंने इसको रास्ता दिखाया था, लेकिन कोई भी आपकी वैल्यू, एप्रिसिएशन, कोई भी आपको एप्रिसिएट नहीं करता है। बॉटम ऑफ द डेक, एट ऑफ वैंड्स, वाओ, चैरियट कार्ड, आपकी लाइफ में जस्टिस होने वाला है। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, चलें बात करते हैं अब इस टॉपिक पे कि यूनिवर्स आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है, क्या आपकी लाइफ ऐसे ही रहेगी या आगे जा आने वाले समय में आपकी लाइफ चेंज होगी। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप एक हीलर हो, ओके, हीलर मतलब आप सबको देते हो, ठीक है, बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलता है, आपको किसी भी चीज़ का लालच नहीं है। हाई प्रिस्टेस आया है, आपको किसी भी चीज़ का लालच नहीं है। दूसरों की मदद करना, उनको नई ज़िंदगी देना, खुशियाँ देना, ये है इसी
इसीलिए यूनिवर्स ने आपको ये जो पेन है ना, यूनिवर्स इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आप एक हीलर हो, आप दूसरों का दुख अपने ऊपर ले लेते हो। अगर आप वर्क प्लेस पे भी हो, वर्क प्लेस पे भी आपके साथ ऐसे ही किया जाता है, करते काम आप हो लेकिन प्रमोशन किसी और को मिल जाती है, वर्क प्लेस पे भी आपके साथ सेम सिचुएशन है, ठीक है। कोई भी आपकी वैल्यू अप्रिशिएशन नहीं देता है आपको, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो, बहुत मेहनत करते हो लेकिन आपको आपका वैल्यू नहीं मिलता है। ये इसलिए है कि यूनिवर्स ने आपको एक हीलर की जगह इस दुनिया में भेजा है। आपका काम है दूसरों को हील करना और उनकी पेन अपने में ले लेना, ठीक है यूनिवर्स। अब मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेके आने वाले हैं। पहली बात, कुछ लोग यहाँ पे शादी के लिए पेन में है, ठीक है, या तो उनकी शादी हुई है और उस शादी में उनको बहुत पेन मिला है, ओके। आपका कोई पिछला बैगेज है, पास्ट बैगेज आप अपने साथ लेके आए हो जिसके कारण आपकी जो मैरिड लाइफ है वो इस समय सफ़र कर रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी से प्यार करते हैं, ठीक है, लेकिन उनको बदले में प्यार नहीं मिला है, ठीक है, उनको इसमें सिर्फ पेन मिला है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हार्डवर्क करते हैं लेकिन उनको फल नहीं मिला है, लेकिन यहाँ ये निकल के आया है कि क्वीन ऑफ कप्स आया है। आने वाले समय में आपकी हर इच्छा जो आप सोचते हो, ठीक है, जो अपने मन में रखते हो, यूनिवर्स के साथ बात करते हो, वो पूरी होने वाली है। आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है। डेथ कार्ड आया है, ये जो आपकी लाइफ है अभी इस समय जो जो सिनेरियो चल रहा है वो ख़त्म होने वाला है, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। यूनिवर्स आपको बहुत सारी खुशियाँ देने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, आपकी किस्मत चमकेगी, ठीक है गाइस, आपकी किस्मत चमकेगी। सन कार्ड आया है, यूनिवर्स आपको बहुत सारी खुशियाँ देंगे, वो खुशियाँ जो आप डिज़र्व करते हो। जस्टिस यहाँ भी आया है, जस्टिस यहाँ भी आया है, तो यूनिवर्स आपके साथ न्याय करने वाले हैं, आपको अपना जस्टिस मिलने वाला है। आपने जिसके लिए जो भी किया है, ठीक है, आपको लालच नहीं है कि अगर मैंने उसको 10 रुपये दिए हैं तो वो मुझे 20 रुपये लुटाए, नहीं। अगर आपने किसी को 10 लाख भी दिए हैं ना, तो आपने उसको भी माफ़ कर दिया है, आपने बदले में कुछ भी नहीं चाहा है, तो यूनिवर्स इसके बदले आपको देंगे जस्टिस, आपको जस्टिस मिलेगा, ओके। इस टावर मोमेंट को ख़त्म करेंगे यूनिवर्स, जो आपकी लाइफ में इस समय चल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून आएगा, आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, मनी आने वाली है, रिस्पेक्ट आने वाली है, आपको वो सब चीजें मिलेंगी जो आप चाहते थे। आप जो इस समय हताश हो चुके हो ना कि अब तो मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, मेरी लाइफ व्यर्थ है, मैं तो जीरो हूँ, मैं तो लाइफ में कुछ करने लायक ही नहीं हूँ, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता है, तो आपको क्या करना है, आपको इस एनर्जी से बाहर आना है। लेकिन ये सब होते हुए भी आपको यूनिवर्स पे पूरा ट्रस्ट है। आप दुआएं करते हो, किसी को मांगते नहीं हो, लेकिन आप दुआ ये ज़रूर करते हो कि यूनिवर्स प्लीज़ अगर मैंने कुछ गलत किया है तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझे जस्टिस दो, मुझे रिस्पेक्ट मिले। आप सिर्फ इतना चाहते हो कि सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी वैल्यू करे, कोई तो दो शब्द बोले आपके लिए, ठीक है। तो वो सब चीज़ें अब होने वाली हैं। सन कार्ड आया है, आप ऐसे ही खुशियों से भरने वाले हो। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, आपकी किस्मत में चेंज आने वाला है। चैरियट आया है, आपकी लाइफ स्टेबल होने वाली है। जस्टिस आने वाला है आपकी लाइफ में, यूनिवर्स आपको जस्टिस देने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार हम ऐसे करते हैं, एंजल्स से भी गाइडेंस ले लेते हैं कि एंजल्स हमें क्या कहते हैं। मेरे को यहाँ पे पता चल रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको पूरा भरोसा है, वो अपने दिल की बातें एंजल्स के साथ करते हैं, यूनिवर्स के साथ करते हैं, घंटों कमरे में बैठ के चैंटिंग करते हैं अपने दिल की बातें। आप रोते हो, यहाँ मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप यूनिवर्स के आगे रोते हो, आप उनसे अपने दिल की बात कहते हो, ठीक है, आप उनसे जस्टिस मांगते हो। जितनी भी लोगों की आपने हेल्प की है, ठीक है, तो उसका सिला आपको मिलने वाला है। आने वाले टाइम में आपको अपने जो भी आपने किया है, जो भी अच्छे कर्म किए हैं, आपको उनका फल मिलने वाला है। जस्टिस होने वाला है आप लोगों के साथ।
तो हम एक बार एंजल्स से भी गाइडेंस ले लेते हैं कि एंजल्स हमें क्या कहते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में अभी इस समय अगर कोई है तो वो यूनिवर्स है, क्योंकि आप अपने दिल की बात अपने भगवान से करते हो, हर पल उनसे पूछते हो, क्वेश्चन करते हो, तो हम उनका आंसर लेंगे अपने एंजल से कि वो क्या कहते हैं इस समय। ओके, अबंडेंस, जैसे मैंने बोला ना, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, सन कार्ड आया है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है विद द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। मैंने बोला ना कि व्हील ऑफ फॉर्चून समय का पहिया घूमने वाला है, आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, मनी आएगी, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको भी दूसरों की तरह, क्यों, क्योंकि आपको ट्रस्ट है, दो कार्ड आ गए, आपको ट्रस्ट है यूनिवर्स पे, बिग हैप्पी चेंजेस, आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं, यस यूनिवर्स बोल रहे हैं, यस आपको पूरा भरोसा है, मैं आपको सब दूंगा, ठीक है। आपने जो क्वेश्चन पूछे थे, आस्क योर एंजल्स, आपने जो क्वेश्चन जो पूछते हो या आप जो पूछोगे क्वेश्चंस अपने एंजल से, तो उनका आंसर यस है, आपको ये सब मिलने वाला है, सब नसीब होने वाला है। तो एक बार हम पप्पा की भी गाइडेंस ले लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है आने वाले समय में, ठीक है। एक बार हम वहाँ यहाँ से भी देख लेते हैं, पप्पा प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताइए कि उनकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है। गाइस, आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। मैं जानती हूँ आप अभी इस समय बहुत पेन में हो, बहुत दर्द में हो, ठीक है, लेकिन यूनिवर्स आपके साथ है। तो देख लेते हैं कि बप्पा आपकी लाइफ में क्या देने वाले हैं, ठीक है। अगर आप प्रेयर करना चाहते हो तो आप प्रेयर कर सकते हो, आपको पूरा भरोसा है, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपको यूनिवर्स पे पूरा भरोसा है, आपको हमारे बप्पा पे पूरा भरोसा है। तो इस समय जो भी कार्ड निकलेगा तो आपने उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली चलना है, राइट। जॉय, आपकी लाइफ में जॉय आने वाला है, खुशियाँ आने वाली हैं, जैसे कि एंजल्स कार्ड में भी आया है, बिग हैप्पी चेंजेस, ठीक है। बप्पा आपको बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ मैं लेके आ रहा हूँ, बस आपको ट्रस्ट करना है, मुझ पे भरोसा करना है, दिल छोटा नहीं करना है, बस मुझ पे ट्रस्ट रखो, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो और मैं तुम्हारी लाइफ में खुशियाँ लेके आ रहा हूँ। आ रहे हैं बप्पा, बढ़ रहे हैं आपकी तरफ ढेर सारी खुशियाँ, मनी, अबंडेंस, रिस्पेक्ट लेकर। तो ये तो थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। ऐसे और टॉपिक देखने के लिए आपको इस चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक। तो गाइस, आपको टेंशन नहीं लेनी है, परेशान नहीं होना है, आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंज आने वाले हैं, क्योंकि हमारे पप्पा ने बोल दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।